समाजसेवी संगठन साई श्रद्धा सेवा समिति के आध्यात्मिक इकाई नव शक्ति दुर्गा उत्सव समिति द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवरात्रि पर्व जन जागृति के लिए कुछ न कुछ विशेष झांकी प्रदर्शित करती आ रही है। इस वर्ष समिति द्वारा पर्यावरण को समर्पित कर सामाजिक संदेश का बहुत ही अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है, जिसमें समिति द्वारा एक पेड़ माँ जगत जननी के नाम की थीम पर पौधारोपण करती हुई माँ दुर्गा की अद्भुत झांकी रखी गई। साथ ही माँ दुर्गा पौधे लगा रही हैं और पुत्र कार्तिकेय एवं गणेश पानी देते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही भगवान शंकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। नवशक्ति दुर्गा उत्सव समिति की इस झांकी की नगर में सराहना हो रही। शिक्षा और परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने भी माँ के दरबार में आशीर्वाद लिया और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आयोजित थीम की जमकर प्रशंसा की। वहीं समिति द्वारा साई चुनरी और स्मृति चिन्ह भेंट कर मंत्री जी का अभिनंदन किया। साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा और थाना प्रभारी उमेश तिवारी सहित अनेक गणमान्य ने दुर्गा उत्सव समिति की प्रशंसा की। एक पेड़ माँ जगत जननी के नाम, ये भी बहुत अच्छा संदेश है जो दुर्गा जी के माध्यम से स्थापना के माध्यम से दिया गया। सभी को धन्यवाद देते हैं कि हमने आपका सहयोग किया, आप सभी का धन्यवाद। साई श्रद्धा सेवा समिति की इकाई द्वारा माँ जगत जननी के दरबार में पौधारोपण का कार्यक्रम रखा, क्या आयोजन रहेगा नर्मदा जी के नवरात्रि के बारे में? मातेश्वरी के माध्यम से ये अद्भुत बात सामने निकल कर आई है, एक पेड़ जगत जननी के नाम। ये संदेश आपकी आयोजन समिति के द्वारा श्री आशीष राय जी की जो समिति है साई सेवा समिति, शहर में हमेशा अच्छे काम करने वाली ये समिति है और इस समिति का जो उद्देश्य है बहुत पवित्र उद्देश्य है, एक पेड़ माँ के नाम और एक पेड़ जगत जननी के नाम। पर्यावरण संरक्षण का जो आपके द्वारा मैसेज दिया जा रहा है, निश्चित रूप से ये नागरिकों के लिए बड़े प्रेरणा का काम करेगा। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।